सवाना अफ्रीका, कितना बड़ा कितना खुला। यहाँ आपको देखने को मिलेगा लायन, राइनो, हिप्पोपोटामस, गोरिल्ला और ज़ेब्रा। ज़ेब्रा, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़ेब्रा के ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स क्यों हैं? और इसकी ब्लैक बॉडी पे व्हाइट स्ट्रिप्स है या व्हाइट बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स? इस वीडियो में ज़ेब्रा को लेकर आप ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रीजन जानेंगे। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल तंवर और आप देख रहे हैं रीजन। वैसे तो ह्यूमंस ने कई सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकली यूज किया है एज अ पेट, एज अ वर्कर, बट ज़ेब्रा एक ऐसा लौता जानवर है जिसे कभी भी डोमेस्टिकली यूज नहीं किया गया। नॉट अ पेट, नॉट अ वर्कर, इंसानी जात से अनजान है बउआ। बेसिकली ज़ेब्रास की 3 स्पीशीज है। फर्स्ट, प्लेन ज़ेब्रा, ये वाला नहीं, ये वाला, जो मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। सेकंड, माउंटेन ज़ेब्रास, जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। एंड थर्ड, ग्रेवी ज़ेब्रा। ग्रेवी ज़ेब्रा स्पीशीज ज़ेब्रा की सबसे लार्जेस्ट एंड रेयरेस्ट स्पीशीज में से एक है। अब आप ये सोचेंगे कि ज़ेब्रा के हर ज़ेब्रा के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होते हैं, तो फिर इनकी स्पीशीज के बीच डिफरेंस कैसे किया जाता है? तो इनके बीच डिफरेंस किया जाता है इनके हिप्स की स्ट्रिप्स से, क्योंकि इनके हिप्स की स्ट्रिप्स का स्ट्रक्चर हर एक का अलग अलग होता है। क्या आप जानते हैं ज़ेब्रास के झुंड को डेजल या मोशन डेजल कहा जाता है? डेजल का मतलब होता है इल्यूजन। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ज़ेब्रास का झुंड एक साथ भागता है तो उनकी ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स एक तरह का डेजल या इल्यूजन क्रिएट करती है, जिसके कारण उनका प्रीडेटर कंफ्यूज हो जाता है और ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाता कि उसके और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, जिसके चलते उनकी जान बच जाती है। ज़ेब्रा किसी भी मैमल में सबसे ग्रेट माइग्रेटर होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपने एक टाइम के ट्रैवल या माइग्रेशन में 300 माइल से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। पर अभी भी हमें अपने 2 सवालों का जवाब नहीं मिला। पहला, ये भला ज़ेब्रा पर ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स क्यों होती है? और दूसरा, इनकी ब्लैक बॉडी पे व्हाइट स्ट्रिप्स हैं या व्हाइट बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स? सो आइए पहला जवाब जानते हैं। इनके ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होने के 3 हाइपोथेसिस हैं। पहला, ये इन्हें सवाना में अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती है। दूसरा, इनका ये ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप इन्हें एक तरह का कैमोफ्लाज देता है, जिसके चलते वो अपने प्रेडेटर से बच पाते हैं। और तीसरा, जिसे साइंटिस्ट अभी तक परफेक्ट मानते आए हैं, कि ये इन्हें सिट सी फ्लाई, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, उससे बचाता है। अब हम अपना फाइनल और दूसरा जवाब, लास्ट का, उसे जानते हैं कि ज़ेब्रा की ब्लैक बॉडी पे व्हाइट स्ट्रिप्स हैं या व्हाइट बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स। सो गाइस, ज़ेब्रा की ब्लैक बॉडी पे व्हाइट स्ट्रिप्स हैं, क्योंकि जब न्यू बॉर्न ज़ेब्रा पैदा होता है तो वो प्योर ब्लैक होता है। धीरे धीरे जब वो अडल्ट या व्यस्क होता है, तब जाकर उस पर ये व्हाइट स्ट्रिप्स आती हैं, और एक टाइम बाद ये कन्क्लूड करना मुश्किल हो जाता है कि उसकी ब्लैक बॉडी पे व्हाइट स्ट्रिप्स हैं या व्हाइट बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा।